बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मास्टर इंक्यूबेटर की जानिब से छोटी मशीनों के यूज़ का तरीकाकार आपको इसके अंदर बताएंगे, जो हम लोग मशीनें छोटी सेल करते हैं। अक्सर दोस्त यही सवाल करते हैं कि इनको चलाना कैसे है, तो आज हम अपनी जो सी छोटी मशीनें, जो हमारे रेगुलर चलती हैं मशीनें, उनका आपको चलाने का तरीकाकार सिखाएंगे। ये हमारी सबसे छोटी मशीन आ जाती है आटो के अंदर, 80 अंडों वाली। ये इसका टेम्परेचर आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी करेगा और डिस्प्ले भी करेगा। ये 37.6 पे बंद हो जाएगा, 37.0 पे ऑन हो जाएगा। ये इसका टाइमर आ जाता है, जो अंडों की हर 2 घंटे बाद टर्निंग करेगा, और ये आपको टाइम भी दिखा रहा है, 120 मिनट। ये ह्यूमिडिटी का मीटर है, जो उसे ह्यूमिडिटी दिखाता है, जो कि हमारी 60 से 70 होनी चाहिए। कम है तो पानी ज़्यादा कर दें, ज़्यादा है तो पानी ट्रे कैसे वैसे पानी निकाल दें। ये ट्रे आ जाती है जिसके अंदर आपने पानी डालना है, जो कि आपकी 2-3 दिन बाद कम हो जाए करेगी। ये आपकी रोलिंग ट्रे आ जाती है जिसके अंदर आप अंडा लगाएंगे और अंडे रोल होंगे हर 2 घंटे बाद। आखिरी 3 दिन आपने अंडों की साइड चेंज नहीं करनी होती, इसलिए यहाँ से अंडा उतार के आप, ये सादा जाली है, इसके अंदर आप अंडे रख देंगे। जैसे कि मुर्गी के 21 दिन बाद निकलते हैं, आप 18वें दिन बाद जाके अंडा इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। और जैसे बत्तख क्या है, बत्तख आप 25वें दिन आप नीचे करेंगे, 28 दिन बाद चूजे नहीं। इसी तरह दूसरी जैसे ब्रीड आएंगी उस हिसाब से आप नीचे करते जाएंगे, परफॉर्मा होगा, उसके अंदर आपको सारा इस्तेमाल का तरीकाकार भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मशीन की तरफ। ये उसके बाद हमारी 160 अंडों वाली ऑटोमेटिक आ जाती है। सेम इसके अंदर प्रोसीजर यही है कि अंडा आपका इसके अंदर लगेगा रोलिंग ट्रे के अंदर, जो हर 2 घंटे बाद अंडों की टर्निंग वगैरह करेंगे। सेम इसी के अंदर भी टेम्परेचर वगैरह, ऑटो ह्यूमिडिटी वगैरह मीटर लगा, पानी वगैरह डाल देंगे, साल पूरी हो जाएगी। इसका भी यही है कि आखिरी 3 दिन आपने अंडों की टर्निंग नहीं करनी, आपने ये स्विच उतार के, ये सादा ट्रे दी गई है, इसके अंदर आपने अंडे को शिफ्ट कर देना है। तो फिर 19वें दिन को, 20वें दिन को, 21वें दिन टाइम के हिसाब हिसाब से चूजे निकलते जाएंगे। ये 160 अंडों वाली ऑटोमेटिक आ जाती है जी। आगे आपको जो सी ऑटोमेटिक दिखाई है, ये अब उसके बाद मैनुअल आ जाती है। इसके अंदर भी टेम्परेचर ऑटोमेटिक है, ह्यूमिडिटी जो सा है वो आप पानी डालेंगे, ह्यूमिडिटी आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अंदर सादा जालिया वाली ट्रे आ जाती है, 2 टाइम आप अंडों की टर्निंग करेंगे, सुबह को हाथ इधर मार देंगे, रात को हाथ इधर मार देंगे। अगर आपके पास अंडे कम हो तो आप डेट वगैरह लिख के, तो उस हिसाब से आप उनको हिला सकते हैं। ये मैनुअल आ जाती है, इनके अंदर 2 टाइम अंडों की टर्निंग करना ज़रूरी है। और जो सी ऑटो आ जाती है, उसके अंदर खुद ब खुद ही अंडों की टर्निंग हो जाती है, बाकी टेम्परेचर वगैरह दोनों के अंदर ही ऑटोमेटिक होता है। ये 50 अंडों वाली आ जाती है जी। इसी तरह ये फिर 150 अंडों वाली आ जाती है, इसके अंदर डबल ट्रे आ जाती है। तो डबल ट्रे होने की वजह से आपने जो उसे सेंसर है, ये सेंसर है जिसने हीट वगैरह सेंस करनी है और आपके बल्बों को ऑन ऑफ कराना है। ये आपने पहली ट्रे के अंदर ही रखना है, और इसके अंदर भी आपने मैनुअल अंडों की टर्निंग करनी है, बाकी टेम्परेचर इसका भी ऑटोमेटिक है। और नीचे आपने पानी की ट्रे रखनी है, इसके अंदर आप पानी डालेंगे जी। ये 300 अंडों वाली मैनुअल आ जाती है, ये साइज़ में उनसे बड़ी है, इसके अंदर 300 अंडे आते हैं, इसके अंदर भी डबल ट्रे और साइज के अंदर बढ़िया। इसका भी सेम प्रोसीजर वही है कि 2 टाइम अंडों की टर्निंग करेंगे, बाकी टेम्परेचर इसका भी ऑटोमेटिक है, और आप पानी डालेंगे 2-3 दिन बाद जब कम होगा। ये जितनी भी सारी आपको मशीनें दिखाई हैं, सारी की सारी 120 वाट की हैं। जैसे हीट पूरी हो जाएगी बंद हो जाएगी, फिर ज़रूरत होगी ऑन हो जाएगी। बाज़ दोस्त ये पूछते हैं कि इसके अंदर जब लाइट जाएगी तो फिर क्या किया जाए। लाइट भाई जान अगर आपके 24 घंटे के अंदर 2-2.5 घंटे चली जाए तो कोई मसला नहीं, इससे अगर ज़्यादा जाएगी तो आपके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा। उसका बेहतर हल यही है, कोई भी आप घरेलू UPS जनरेटर, सोलर या जो भी आपके पास रिसोर्सेज लाइट का हो, उसके साथ लगा लें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।